निशा कामरा फिर से गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं भाई? वो अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ, नए ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं, बहुत अच्छे विशेज आपने दिए हैं। और खाटू श्याम बाबा के वहाँ पर गई हूँ तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया। बस थोड़ी थकावट हो गई थी आज, कल अप डाउन हो गया एक दिन में ही। तो गाइस आप पूछ रहे थे ना कि सिस्टर आपकी क्या करती है, तो सिस्टर मेरी जो है वो तनिष में मैनेजर है, तो वहाँ जॉब करती है लाजपत नगर में। और मेरा ब्रदर जो है वो भी जॉब की अप्लाई कर रहा है, देख रहा है, अप्लाई में लगा हुआ देखने में। वो इंटरव्यू तो दे के आया दो तीन जगह, अब देखो कहाँ सिलेक्ट होता है। तो जॉब की अपना देख ही रहा अभी, तो अभी स्टडी करके हटा है वो। और आप कह रहे थे गाइस आपका खर्चा कैसे चलता है घर का, तो मेरी सिस्टर भी थोड़ा कमाती है अपना, और हमारे ऊपर रेंट पे दो फ्लोर हैं, वो रेंट आता है वहाँ से, तो वहाँ पे अपना खर्चा हमारा चल जाता है मम्मी का घर का। तो सो गाइस आप कह रहे थे कि अपनी मायके वाले फैमिली के साथ ब्लॉग से ज़्यादा बनाया करो, तो आपका ये आपकी रिक्वेस्ट जो है आपकी, ये भी मैं दोबारा और पूरी करूँगी और कोशिश करूँगी कि मम्मी मोना साजन से ज़्यादा ब्लॉग दिखाऊँ और आपको मिलाते रहूँ। तो आप कहते हैं गाइस अच्छा लगता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा आपको ब्लॉग दिखाऊंगी अपने मम्मी और साजन और मोना की तरफ। तो मिलते हैं आपको लंच में मटर पनीर के साथ। हेलो सुनील जी। बड़े निशा क्या कर रहे थे? कुछ भी खाना खा रहे हैं आप जा रहे हो? और बताओ? और बस बढ़िया, दिल लगा। शाम को दर्शन सही हो गए थे कल? बहुत बढ़िया। रात को तो बात कर नहीं पाया था मैं, ज़्यादा थक गई थी कल रात को। मैं अभी आना जाना करो ना, थकावट हो जाती है बहुत। तुम्हें स्टे कर लेना चलो वहाँ पे दो चार घंटे। मोना को छुट्टी मिली, ऑफिस से फोन आ गया था उसका। अच्छा, कह रहे हो दो तीन स्टाफ नहीं आ रहा तो आपको आना पड़ेगा। चाबी इसके पास रहती है कैश वाले अकाउंट की, इसलिए मम्मी कहती है अब दर्शन तो हो गए, अब क्या करेंगे, रह के चलते हैं। 5 मिनट में दर्शन हो गए, पहली लाइन में घुसे दर्शन हो गए। बरसात भी थी वहाँ पे? हाँ बरसात थी, पर मौसम बहुत प्यारा था। दर्शन सही हो गए ना? तो गाइस आप भी जाइए, मैं कह रहा हूँ जो भी कोई मन्नत है आपके घर में, कुछ दिक्कत परेशानी है, कुछ भी है, तो जाइए मन्नत मांग के आइए, और खाटू श्याम बाबा जी पूरी करता आपकी मन्नत। जो भी सुख है दुख है घर में सब, ये एक बार जाइए, सुख में भी जाइए दुख में भी जाइए। बहुत बढ़िया जगह है, और जाओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा बिल्कुल। इतना अच्छा लगा था ना सुनील, मैं पहली बार गई हूँ, मेरा दोबारा दिल कर रहा जाने का, तुम्हें सही बताऊँ। चलेंगे सर, अब मेरे साथ चलेंगे। हाँ अब आपके साथ चलूँगा, ठीक है। सो गाइस मूड कचौड़ी लेने आई थी, के लिए उनको पूछा क्या मंगलवार है ना, तो मैं थोड़ा तक दिया मंदिर भी और मूड कचौड़ी पैक करा के लेके जा रही हूँ। ईशा क्या ले आई भाई? कचौड़ी ले जाए, मंगलवार था ना। हाँ मंदिर गई थी। हाँ मैं कहा आपको भूख लग रही है कचौड़ी के लिए, आपने मम्मी को भी खिला लो, मम्मी खाओ आ जाओ, हैं खा लो थोड़ी सी तो खाओ, हाँ थोड़ा टेस्ट तो करो। परी खाएगा? परी ने ले ली पहले। परी खाएगा? परी तो खा रहा है। कौन हुआ? कौन आया? छोटू ब्लॉगर। अरे अब नाच के दिखा, नाच के दिखा, अरे हंस के दिखा दे, हंस के दिखा, हंस के दिखा, मास के दिखा, नाच के दिखा। ये कौन है? आपसे कौन मिलने आया? छोटू। ये कौन है आपका? छोटू कौन है? फ्रेंड है? कौन हूँ मैं बताओ? कौन हूँ मैं? छोटू तो हूँ पर नहीं, कौन हूँ? भाई बोल भाई। आज परी से मिलने आया? अच्छा आज छोटू मिलने आया परी से? कहाँ चला गया था तू? कहाँ खाटू श्याम गई थी? अरे खाटू श्याम तो है ही, कहाँ गई थी तू? अच्छा कौन कौन गया था? नानी और तुम दोनों गए थे? क्या क्या करा वहाँ? भाई नानी और ये दोनों गए थे खाटू। और छोटू क्या हाल है तेरे? बढ़िया भैया। क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास कर रहा है कहाँ पे? गाइस खुश हो जाए, छोटू ब्लॉगर मिलना है परी से। मैसेज आते हैं छोटू के आज तक कि छोटू कहाँ गया, छोटू कहाँ गया, छोटू गया। मैं कहा घूमने गया जमुना पार, आज ही आया जमुना पार से मिलने आ गया। और ठीक है तू? आ गया तू? घर में सब ठीक है ना? ठीक
आइसक्रीम कौन सी खानी है आइसक्रीम? ये नहीं, वो कुल्फी खा ले। अच्छा मैं चले आती हूँ। चोकोबार ले तू, चोकोबार, चोकोबार। कौन मत चाहिए, कौन कौन खाना है, कौन चल अभी लेते तो ना। क्या कर रहे हो? मैं पापा का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा आने वाले पापा, सवा दस तो हो गया। अरे अम्बियाँ लेनी है, पिछले मंगलवार की सोचती रह गई, आज मैंने कहा आज तो लेके आऊँ। मंगलवार से लाओगे? मंगल बाजार अम्बियाँ वाला बैठता है ना, वो काट के देता है, तो पापा के साथ स्कूटर पे जाऊंगी, फिर एक आधे आलू भी नहीं पड़े, टमाटर भी ले आऊंगी और कुछ देखती हूँ और कुछ लाई तो मेन जो है ना, मैं आम्बियों के ले जा रही हूँ, अचार डालना है। अचार डाली आ गई हैं बाजार में। हाँ 5 किलो ले आऊंगी। कटवा के लाओगे ऐसे? कौन काटेगा, कटवा के लाऊंगी, कटवा के ना रात को धो के रख के पंखे नीचे रखूंगी, आज सुबह तक सूख जाएंगी, फिर डाल दोगे? फिर डाल दूंगी। तो मसाला रेडीमेड डालोगे? रेडीमेड ही सोचा है। आप पहले इकट्ठे करते थे ना? हाँ रेडीमेड ही डालूंगी। रेडीमेड सही रहता है, सही है, रेडीमेड डालेंगे। क्या क्या कर रहे हो दादी? अरे कह रही है वाटर पार्क में जाऊंगी। अच्छा क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क में। हाँ। कह रही नाक में पानी घुस जाता है, मैंने कहा नाक में ना आके टेप लग सरप्राइज। देखिए टेप लगवा रही है नाक पे, कह रही पानी नहीं घुसेगा अंदर। अब नहीं घुसेगा? ओ बिल्ली, बिल्ली टेप वाली हो गई आज। नाक ही बंद हो जाएगा, वो सांस करती है ना तो गिर जाती है। परी मजा आ रहा है, परी का नाक का पोपट 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 बनाओ। मैजिक वीडियो? ये कौन सी वीडियो होती है? उसमें गैरी मैजिक करूंगी मम्मी के साथ। मम्मी के साथ? डैडी के साथ करियो मैजिक। करेगा हैं? अरे मजा आ रहा है। करेगा? ओ पापा आ गए। मम्मी आपका इंतजार कर रही है इतने दिन से। सब्जी लेने जा लो। परी परी थोड़ी जाएगी आपके साथ? परी भी जाएगी, दादी और दादू जाएंगे बस। नहीं नहीं परी कह रही मैं भी सब्जी बनी पसंद। तो सब्जी बनाने आती है परी को? परी सब्जी लेगी हैं? है बेटे नहीं आती लेगी? ओ कौन सा पहना है? ये न्यू फैशन है उसका, एक दूसरा एक दूसरा। शाहरुख खान जैसे पहनते है। हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी बस खाना वाना खाया, खाना खा के फ्री हुए हैं, तो बस सोने की थी तैयारी। तो निशा आज ना परी की कंप्लेंट कर रही है और कह रही है परी बहुत शैतान है, बहुत तंग करती है, अब मेरा कहना नहीं मानती और कपड़े मेरे साथ अपने मर्जी से पहनेगी, बटन तोड़ देगी, नाइट सूट के अलावा कुछ पहनती नहीं है। आज नानी का भी फ़ोन आया इसका और नानी कह रही है कि बहुत और ना, इसकी नानी का भी फ़ोन आया, मासी का भी फ़ोन आया और मामू का भी फ़ोन आया, तीनों कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई, किसी का कहना नहीं मानती, ये क्या कर रही है। तो इसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करो जीजू। तो ये मासी तो इसकी कह रही है तो बहुत शैतान है, ना किसी के पास आती है ना किसी के पास जाती है, बस कह रही डैडी के पास जाना है, डैडी के पास जाना है। तो और निशा आज बता रही है आज ये टीवी तोड़ते भी बच गई। तो क्या क्या कह निशा बस बता जाएगा। गाइस इतनी शैतान औलाद है, एक तो सारा दिन मेरे को बुलवाती है, मेरा इस टाइम बीपी लो हो जाता है, मेरा बीपी वैसे लो हो रहा था। आज क्या किया इसने गाइस, अपनी टॉय लेके आई, गाड़ी आपने जो लेके दी थी ना मेले वाली, मेले से वो उसकी वो नोक निकाल के ना, दिमाग देखो सड़की का, वो नोक निकाल लिया, सुई को पिन मार के ना साइड की स्क्रीन में मार रही, कुछ हट गई हूँ। अच्छा। और वाइपर का डंडा ले बीच में वाइपर मार, वो तो मैंने आगे से खींच लिया और वो वाइपर टाया और स्क्रीन टूटे बच गई, नहीं तो टीवी की स्क्रीन पूरी बीच में से क्रैक हो जाती थी। परी क्या कह रही मम्मी, अब स्क्रीन तोड़ रहे थे आज, टीवी तोड़ रहे थे हैं, क्यों पहले बताओ, टीवी को तोड़ रहे थे आप? तोड़ रहा हूं। क्यों तोड़ रहा है?
तो वाकई में मुझे बहुत शैतान हो गया। अब इसको देखता हूँ मैं, कल से इसको कंट्रोल करूँगा इसको मैं। अब तुमने अगर अपनी बेटी को सही रखना है ना तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। कल से मैं कंट्रोल करूंगा और इसकी कोई जीत नहीं माननी, क्योंकि कोई इसका कोई खिलौना लेके नहीं देना नया। कल खाटू श्याम बाबा के द्वारे कपड़े नहीं चेंज किए, बाहर रोड पे फेंक रही है सुनील जी। मैं क्या दिखाऊं किसी को? मोना ने कहा मैं बदलती हूँ, नानी ने मैं बदलती हूँ, मम्मी से नहीं बोला। मैंने कह दिया ना नाइट शूट में जाना, मैंने ऐसे बोल रही है, रो मारती है। पर ये क्या करी मम्मी, आप कंप्लेन कर रही है, ये देखो शिकायत करी मैं आपकी। अगर ऐसे होगा तो इसको हॉस्टल में डाल देंगे। एक एक औलाद है इसको हॉस्टल में डाल देना। अरे भाई ऐसी औलाद रखेंगे तो हमारी और बदनामी है। गाइस तो यही सोचते हैं ना कि ना कपड़े दे लेके देते हैं, ना पनाते हैं, ना तैयार करते हैं इसको। बदनामी किसकी है बेटा, सुधर जाओ, ऐसी हरकतें मत करो आप प्लीज। गाइस मैसेज लिख देते हैं है? क्या करूंगा देखो ये। चलो कल निकली गड़ी हफ्ते तेरे, पहले मुझे ये बताओ टीवी क्यों तोड़ रहे थे आज आप? क्यों तोड़ेगा? क्यों के दो टुकड़े कर दिए, उधर फेंक दिया। तुम देखते से यार मेरे तो शॉप पे चल जाते हो, एक कैमरा लगा ऊपर और देखो वीडियो क्या ये करती है। नहीं मैं अब इसको कंट्रोल करूंगा। तो गाय जी परी जो है ना मेरी बहुत शैतान हो गया, बहुत ना किसी कहना मानती है ना कुछ है। अब से मैं इसको कंट्रोल करूंगा इसको बहुत। आज नानी का भी फोन आया था, नानी कह रही सुनील जी इसको बहुत लाड प्यार करते हो और ये बिगड़ती जा रही है। नानी कह रही अब तो छोटी है समझ जाएगी, कल को बड़ी होगी जिद करने लगी ना तो फिर ये आपसे संभलेगी भी नहीं। इसमें एक कमी है ना, जिद करने लगी है बस। पर जो चीज जिद करनी है तो करनी है, अगर खिलौना लेना है तो लेना है, और अगर ये कपड़ा ये नहीं पहनना है तो नहीं पहनना, अपनी मर्जी से पहनना। हाँ कपड़े पहना दो बेटा। देखो आप मुझे पता आपको समझ नहीं है अभी, मैं आप छोटे हो पर आप जिद क्यों करते हो इतनी, मुझे पता है। नहीं करते डैड बेटा, बाप बड़े हो जो समझदार हो जो, आप घर में आप इकलौते बच्चे हो, आप क्यों ऐसी शैतानियां करते हो? बोलो पहले, अब नहीं शैतानी करूंगा, अब गुस्सा नहीं करूंगा, बोलो करूंगा करूंगा सुधर सकते। करो गुस्सा, कहना नहीं मानो डैडी का, कहना नहीं मानो। आपने कोई चीज लेके दी ना पहले है? तो मैं आपको बताऊंगी। तो अब से इस पे स्टिक हो जाना, अब से इसका कोई कहना, अब इसका कोई कहना नहीं। तो ये सारे नाइट सूट इसके बाहर फेंको। मेरे को एक गाइस का मैसेज आया था कि सच के सारे नाइट सूट ना आप रात को छुपा दो और सुबह ये नाइट सूट आपने मांगे ना तो पता क्या कहो कि बंदर ले गया बस। तो अब ऐसे कर सारे छुपा दे और इसके सारे छुपा दे, ना होंगे ना पहनेगी। मैं बंदर को ही दे आती हूँ ना छुपाने के लिए। सारे बंदर को दे आती हूँ, बंदर के बच्चे पहने, जो बंदर बच्चे घूमते हैं ना उनको दे दे। अब कल से वो इसे नाइट सूट पहनेंगे। तुमने निकर टी शर्ट ले दी है, फ्रॉक ले दी है, वो स्कर्ट टॉप ले दी है, नहीं पहनेंगे। क्या क्या थक गई? कब पहनोगे कल क्या पहनोगे? कोई नहीं बात नहीं गाइस, अब मैं इसको थोड़ा टाइट होता हूँ। मैंने बहुत लाट पाट दे रखा है घर में, सारे लाट पाट देते हैं तो बिगड़ी खड़ी है। अब मैं इसको टाइट रखूँगा कल से, इसका कोई डिमांड पूरी नहीं करनी, जिद करेगी तो करती रहे। क्यों नहीं चाह तो सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और मैं इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से व्यूज दीजिए और जल्दी से जल्दी फेसबुक को फॉलो कीजिए। बाय बाय।